बिना एक भी रुपया खर्च करे घर में पड़े हुए बेकार सामान से कृष्णा पगड़ी कैसे बनाते हैं वो मैं आज आप लोगों के साथ शेयर कर रही हूँ। तो घर में आप सभी के पास पेपर होता है, तो एक पेपर ले लीजिए, उसको लंबा लंबा फोल्ड कर लीजिए, 3-4 पेपर को ऐसे इकट्ठा करके हार्ड थोड़ा सा हो जाए उसको फोल्ड करिए और उसमें टेप लगा लीजिए। अगर आप चाहें तो धागा बांध सकते हैं, आप चाहें तो स्टेपलर कर सकते हैं, फिर उसको गोल गोल ऐसे एक बच्चे का जिसके लिए भी आप पगड़ी बना रहे हैं उसका साइज लेके उसको गोल गोल करके फिर उसको अगेन टेप लगा देना है। और फिर आपके पास पड़े हुए दुपट्टे होंगे, कोई भी आप अपने कलर के अकॉर्डिंग दुपट्टा ले सकते हैं। मैंने यहाँ पे ब्लू कलर का दुपट्टा का यूज़ किया है और उसको पूरा राउंड राउंड करके उस पेपर में रोल कर देना है आपको। और फिर जो कलगी बनाने के लिए उसको मैंने टाइटली 3-4 उसमें नॉट लगाई हैं, गांठ लगाई हैं, और उसको भी मैंने पहले पिन की सहायता से होल्ड किया है, फिर उसके बाद मैंने उसमें टेप लगा दिया है। और ये जो हैं वो कान्हा जी के छोटे वाले कान्हा जी के कपड़े जो हमारे पास वेस्ट पड़े हुए जो यूज़ करे होते हैं कान्हा जी के, उनको मैंने लगा दिया। और पड़े हुए कुछ फ्लावर्स हैं जो मेरे पास हैं उनको लगा दिया और मोर पंख लगा के कृष्ण जी की पगड़ी तैयार हो गई है, ये देख सकते हैं।